गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अंशिका एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ एट देयर प्लेस। तो हम लोग नई ट्रिप के लिए निकल चुके हैं, लेकिन ये ट्रिप सिर्फ एक दिन की ट्रिप है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको निकल के पापा बताएंगे, और उसके बाद अभी तो हम लोग पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं, जो हमने 2700 का टैंक फुल कराया है। यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 96.59 रुपीज़ है और पापा पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए पेमेंट करके निकलते हैं और उसके बाद फिर तसल्ली से बैठ के बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक दिन के लिए। जी, तो अगर मैं एक दिन की बात करूं कि हम दिल्ली से एक दिन की ट्रिप पे कहाँ के लिए जा रहे हैं, तो वो है दिल्ली से हरिद्वार, यानी कि हर की पौड़ी हरिद्वार, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। हमारे घर यानी कि नोएडा से करीबन 3.5 घंटे यानी कि 204 किलोमीटर्स एंड 3 hours 30 minutes का डिस्टेंस पड़ जाता है अगर आप दिन के टाइम निकलते हैं। तो अपने घर से हरिद्वार जाने तक के लिए रास्ता जो हमने लिया था वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रास्ता था, जो कि बहुत ही खुला रास्ता प्लस जिसपे 100 की स्पीड बहुत ही आराम से चलती है। ये रास्ता हम तब भी लेते हैं जब हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी ईपीई पे चढ़ने वाले होते हैं तब भी, क्योंकि सबसे पहले आता है हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और लेफ्ट साइड में हमारा एक ईपीई के लिए रास्ता कट जाता है जो हमें सोनीपत लेके जाता है। ये है हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे। आपको पता ही है सबसे बेस्ट हाईवे आजकल अगर हमें कहीं इस तरफ जाना हो टूवर्ड्स उत्तराखंड। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार के डे ट्रिप पर, यानी सुबह जाकर शाम को वापस आ जाएंगे। बट पहले जब हम जाते थे करीबन 4-5 साल पहले हरिद्वार, तो 5 घंटे का डिस्टेंस 200 किलोमीटर हम 5 घंटे में कवर करते थे। आज अगर हम ईटीए देखें तो सिर्फ 3 hours है, जस्ट बिकॉज कि हमारी रोड जो है बहुत बेटर हो गई है। अब जो यहाँ से टर्न आएगा वो आपको पता है हम हमेशा ही लेते हैं, क्योंकि वो सोनीपत जाने वाली साइड है। जब भी अमृतसर जाना हो, जम्मू जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, वही एक्सप्रेस यानी ईपी लेते हैं। बट आज हम जा रहे हैं टूवर्ड्स हरिद्वार, तो हम लोग इसी रोड पे कंटिन्यू करेंगे विच इज़ दी मेरठ हाईवे। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है, तो मैंने तो अपना क्रूज कंट्रोल 98 या 97 पे सेट कर लिया है, उसी पे हम लोग वर्क करें ताकि हमारा चलान ना हो स्पीड का स्पेशली। बट ठीक है, अब जैसे 3 घंटे तो आपका ETA गूगल दिखा रहा है, होपफुली हम लोग कम टाइम में पहुँच जाएंगे। बाकी जो भी वो करेंगे जैसे भी करेंगे आपको जरूर वो शो करेंगे, एक तरह का डे व्लॉग होगा। लेट्स सी हाउ द डे गोज। और यहाँ से हरिद्वार का जो डिस्टेंस है वो 182 किलोमीटर्स है, और हम अप्रॉक्स 235 तक जो गूगल दिखा रहा है हम तब तक पहुँच जाने चाहिए। हम आपको रियल टाइम बता देंगे हम कितने बजे पहुँचे। फिलहाल गाने सुनते हुए, काफ़ी अच्छी रोड है जो बन चुकी है, ईपी का रास्ता है जो लेफ्ट में है, जो वो वाला रास्ता हमने छोड़ दिया अभी, जो हम यूजुअली जाते हैं हमेशा जिससे। इस बार हम आपको रात को दिखाते हैं, आज हम दिन में दिखा रहे हैं, पर इस बार हम सीधा जा रहे हैं मेरठ की तरफ। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला टोल, जो कि है आखिरी टोल होंगे मेरठ एक्सप्रेस हाईवे। वैसे ही आखिरी टोल होगा, नहीं बीच में और भी होंगे। अच्छा, के पास का एक टोल होगा जो हमें देना पड़ेगा। खैर इसका प्राइस है 155 फॉर सिंगल एंट्री। तो हम इसका वो नहीं कर सकते क्या बेटा, डबल एंट्री? डबल एंट्री हाँ, मल्टीपल सिस्टम अपने आप लेगा ना, क्योंकि ये फास्ट टैग से कटता है ना, इसलिए सिस्टम अपने आप ले लेगा डबल एंट्री। डबल एंट्री कैसे लेगा वो अपने आप? जब वापसी आएगा वो 24 आवर्स के बीच में चेक करेगा। वैसे इसमें
में आ जाएगा, इनकरेक्टेड बता देंगे, वो तो उस टाइम पे आपको पता चल ही जाएगा। तो ये हमारा और कितना लंबा है डिस्टेंस इसका, अभी बचा है अभी यहाँ से 1 किलोमीटर बाद है मेट्रो बाईपास या फिर मेरठ बाईपास है, यहाँ से 1 किलोमीटर मान के चल सकते हैं कि उससे फिर हम राइट ले लेंगे, लेफ्ट लेंगे तो मोदी नगर की तरफ हम उतर सकते हैं। लेकिन हमें अभी आगे हरिद्वार की तरफ जाना है, तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा मेरठ बाईपास पे कनेक्ट होगा। मेरठ बाईपास के बाद खतौली आएगा, खतौली के बाद मुजफ्फरनगर आएगा, मुजफ्फरनगर के बाद रुड़की आएगा, रुड़की के बाद फिर हरिद्वार आएगा। हम ये वाला रूट फॉलो करेंगे और यही एक रूट है हरिद्वार जाने का फिलहाल। काइंडली विजिट अगेन, ओके जी जी, वापसी में भी आ रहे हैं। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे इस वाले रास्ते से जाएंगे तो मोदी नगर के लिए आप एग्जिट कर सकते हैं। बट ये रोड बहुत अच्छी है और स्पीड लिमिट भी 100 की, आप क्रूज कंट्रोल करके आराम से भूल जाओ और आराम से चल सकते हो सीधा। बस आगे देख लेना कि आपके आप सामने चल कौन रहा है, नहीं तो आपकी आपको बार बार ब्रेक लगानी पड़ सकती है, तो इस वजह से चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. तो हम लोग पहुंच गए हैं चीतल ग्रैंड पे और यहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं, तो आपको दिखाते हैं हम लोग क्या खा रहे हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे तो आपसे मिलेंगे। यहाँ पे बहुत शोर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पिट स्टॉप है, सबसे पुराना है राजा, पहले तो ये बाईपास की उस साइड था। अब जो भी इस रूट पे जाते हैं वो डेफिनेटली यहाँ जरूर रुकता है। यहाँ के पनीर पकौड़ा बहुत फेमस है, तो लेट्स एंजॉय द सेम। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always. हमारा जो डिस्टेंस बचा है वो 140
4 किलोमीटर्स का बचा है, और इवन हम लोग अगर 30-45 मिनट्स भी रुके होंगे तब भी जो हमारा ETA है वो सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है, विच इज़ हम लोग अप टू 45 तक पहुंच जाने चाहिए हल्की पौड़ी पे। बट आप देखते हैं यहाँ से हम लोग नीचे वाला रास्ता लेंगे। yes, मैडम आप अपनी गाड़ी के बारे में कुछ तो बताओ कि कैसा माइलेज वगैरह दे रही है। जी हमारी गाड़ी जो है बहुत अच्छी माइलेज दे रही है, पिछले आज अभी तक जो है कम से कम 70 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दिया है, जो पिछले 100 किलोमीटर हमने कवर किया है, और अल्ट्रोस तो हमारी बेस्ट है, कहीं पर भी चला लो कहीं भी चला लो मस्त चलती है, एवरेज बहुत अच्छी देने लग गई है आजकल। आजकल चलती है मतलब जब भी चलती है, जब भी हम चलाते हैं इसको, और पिछले लास्ट टाइम से जब मैंने टैंक फुल कराया है जितनी बार भी उतनी बार से मुझे 15-17 के बीच में ही एवरेज मिला है, चाहे मैंने सिटी में चलाया चाहे मैंने बाहर चलाया, तो इट्स अब बेटर होती जा रही है इसकी, जितनी चल रही है उतनी अच्छी होती जा रही है एवरेज। टाटा के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। यस, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑन द वे इतने सारे ढाबे मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अब तो फूड कोर्ट्स बन गया है जहाँ पर मल्टीपल आउटलेट्स होते हैं, जैसे आप ये देख लीजिए बर्गर केसिंग भी है यहाँ पर, KFC भी है, देवराना भी है। I guess that was होटल रेस्टोरेंट जो भी था वो, but that was also available तो आगे भी है, मूलचंद आता है यहाँ पर, मिडवे आता है, एक तो चोटी वाला हर जगह पे खुल चुका है, क्योंकि आप हरिद्वार वाले रास्ते पे जाते हैं तो चोटी वाला इज एवरीवेयर, जैन चिकन जी है चोटी, हाँ ये दोनों आपको हर जगह पे मिलेंगे, बट जैन शिकंजी वाला तो अभी भी जैन शिकंजी वाला अपना हाइप लेके चल रहा है, और अच्छा भी होता है उसके तो, बट छोटी वाला देखते हैं अगर हम जा पाते हैं आज तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी अगली बार आएंगे हरिद्वार तो रुकने आएंगे तो ज़रूर। अब जैसे यहाँ पे मूलचंद रिजॉर्ट्स है, मेक भी आ गया सामने, तो आप इसमें रुक भी सकते हैं, ड्राइव थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है यहाँ पे आपको, जिस तरह का खाना खाना है, जैसा खाना खाना है, जिस बजट में खाना है, सब मिलेगा एक यहाँ पे। नमस्ते ब्रिज, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, वाह ये देखो ये पूरा स्टारबक्स भी है यहाँ पे, सारे आउटलेट्स आपको मिलेंगे, इवन हल्दीराम्स है, देन यहाँ पे द्वार है रिजॉर्ट, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो चलते हैं, 100 किलोमीटर्स बचे हैं अब हमारा, बात करते करते 100 किलोमीटर्स हो गए, तो चलिए देखते हैं सेंचुरी कब पूरी होती है हमारी। अच्छा एक बंदे का फोन आया जी, मैं मिलिट्री में काम करता हूँ। अच्छा। मेरा बेटा मेरा भाई सीलमपुर रहता है, मुझे उसके लिए AC चाहिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, रेट वेट क्या हो गया 10-12 हज़ार में, हम कल देखने आएंगे। आप एक काम करो, अपना QR कोड भेज दो। नहीं मैं आपको वो एक लिंक एक QR कोड भेज रहा हूँ, मैं ना इसको स्कैन कर लो, मैं आपको 5,000 रुपये भेज रहा हूँ। अच्छा मतलब love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble, now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me, better believe in your mind cause it's everything, you can mold, shape, find almost anything, all it takes is some time and some clarity to find your identity, it's mind over everything. आप आराम से ले सकते हो अगर स्पीड लिमिट ना हो तो, सारे के सारे टाउन्स
जो अब रास्ते में रह गए, बहुत अच्छा सा एक्सप्रेस वे बना दिया एक तरह का, अमेजिंग रोड्स यार, हैट्स ऑफ टू नेशनल हाईवेज, बहुत बढ़िया रोड्स हैं। जो जर्नी हम 5 घंटे में करते थे वो हम 2.5 घंटे में कर सकते हैं। हम ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, अब रुड़की आएंगे, रुड़की के बाद 30 किलोमीटर आगे हरिद्वार है, तो हम जो पार्क करेंगे गाड़ी हर की पौड़ी पे करेंगे, फिर वहाँ से आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। बट चुम्बेश्वरी रोड्स हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया रोड्स हैं, कछुआ बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ पे 70 की स्पीड चलानी होती ना दिल्ली की तरफ, आप रो रहे होते नहीं उस दिन जैसे चांदनी चौक जब जा रहे थे तो क्या रो रहे थे ना? बताओ मेरठ एक्सप्रेस वे पे हमें 50 दे रखी है अक्षरधाम के बाद, कैसे कैसे वो चला सकते हैं 70-50 इतने बढ़िया रोड पे। हाँ नहीं तो यही यूपी में कर देते हैं तो 100 कर देते हैं, उसी एक्सप्रेस वे पे दिल्ली क्रॉस करके आ जाओ तो 100 हो जाती है, दिल्ली में रहो तो वो 50-70 रहती है। The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. यहाँ से लेफ्ट जो है मेन बस स्टैंड है हरिद्वार का और रेलवे स्टेशन है, अंदर मेन हरिद्वार की मार्केट यहाँ से आती है। हम लोग बार बार से जा रहे हैं क्योंकि हम हरकी पौड़ी पार्किंग तक जा रहे हैं इसलिए, बट बहुत बढ़िया कर दिया यार, पूरा हरिद्वार का सारा नीचे का जो ट्रैफिक था नीचे रह गया, हाईवे अलग बना दिया कम्प्लीटली, अमेजिंग मैन, हैट्स ऑफ टू दी गवर्नमेंट जिसने ये सब बनाया, सही है यार बहुत बढ़िया। टोल टैक्स पे करना वर्थ इट है, सीरियसली वर्थ इट है, नहीं तो 3 घंटे में हम पहुंच गए हैं 11 बजे निकले हुए, एंड इट्स 2:35 राइट नाउ। हमने बीच में वो लंच वगैरह मतलब थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाए थे चीतल पे, हां इसलिए, एंड तभी वी आर हियर, इतनी जल्दी हम टेक इन बैक टाइम हो गया। ये रोड पे अंदर की तरफ ही जाता है मार्केट की तरफ, अगर आपको अंदर हरिद्वार मेन बस स्टैंड या बस स्टेशन जाना है रेलवे स्टेशन तो इस रूट से भी जा सकते हैं। यहाँ पे गोल चक्कर है, हम लोग क्योंकि इसके नीचे ही चल रहे हैं क्योंकि हमें बार बार की तरफ हरकी पौड़ी की पार्किंग की तरफ जाना है, इसलिए हरकी पौड़ी हम फिर पुल क्रॉस करके जाएंगे पहले। ये चारों धामों के नाम लिखे हुए थे, हाँ ये बद्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हाईवे है ना जो आगे कम्प्लीटली चारों धाम की यात्रा के लिए यूज होता है, ये रही गंगा नदी। नीचे की तरफ से
जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आगे देख लेंगे। कितना ही डिफरेंस पड़ेगा, हार्डली 5 मिनट। नहीं हम शायद करेक्ट है, यहाँ से लेफ्ट मार के वो है ना पार्किंग, लेफ्ट ये रही इसकी पार्किंग, हल्की पौड़ी की पार्किंग। उधर भी है यार, मतलब इस साइड भी है और उस साइड भी है, शनिवार के शायद तीर्थ नगरी हरिद्वार। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है और यहाँ पे जो पार्किंग का प्राइस है वो है 90 रुपीज़। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं हल्की पौड़ी पे। सामने आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग कैंटीन भी मिल जाएगी और कई शॉपिंग के शॉप्स भी हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर, जहाँ पे बैग्स मिल रहे हैं, कभी कुछ कुछ मिल रहा है, देखते हैं चल के। फिलहाल एक काम करते हैं कि हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम हरिद्वार को करेंगे एक्सप्लोर। आप बस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।